दोस्तों आज हमारे साथ कांग्रेस के बड़े लीडर दलवाई साहब हमारे जो खासदार है वो हमारे साथ है इसमें, और वो आए हैं कुछ चुनाव के लेकर कुछ बात करने के लिए। तो मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। दलवाई साहब आप बताइए कि आप एनसीपी को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस की कुछ नाराजगी थी एनसीपी से, वो आप दूर हुई है कि नहीं हुई है, और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है हमारे लिए। कौन से पार्टी का कैंडिडेट है ये हम बिल्कुल देखते हैं। सारे कैंडिडेट आना और 28 से 30 लोग आए हैं, ऐसी हालत पैदा हो गई है वो और ज्यादा कैसे होगी, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोई आपस में झगड़ा रहे कुछ रहे, राहुल जी का अवसर ये है कि सब जगह जो महागाड़ी है उसको पूरी तरह से मदद करनी है, उनको उनकी सीट यानी अपनी सीट काम करने का। कारोबार रहता है, उसमें थोड़े गलतियाँ भी होती है, लेकिन वो नजरअंदाज करनी चाहिए गलतियाँ। कौन सी भी हालत में सीटें चुनकर किसे आएगी वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आना इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहेगी, बिल्कुल आएगी सरकार अलग आवे और आगाड़ी है और दूसरे जो बाहर है लोगों को हरास करने का काम था वो अभी खत्म होगा, इसलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे दलवाई साहब ने कहा है कि हाँ सरकार ये हमारी कांग्रेस की वजह से इस वक्त जो है अनीस कुरैशी साहब के हम उनसे भी कुछ सवाल करना है। अनीस भाई आप बताइए कि कांग्रेस इस वक्त एनसीपी को सपोर्ट कर रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के साथ में जितने भी सहयोगी दल है अगाड़ी के एकतावादी नाम रखा है, इस भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले तमाम नंबर एक साथ लड़ाई करने तीन नंबर पूरी तरह से ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हाथ में हाथ मिला है तो पूरी तरीके से पूरी कांग्रेस पूरी शिद्दत से ये जिताने का काम एक कर रही है और किसी तरीके से ये सरकार को गिराना है, इनका ये संदेश है। इस वक्त मनोज सिन्हा साहब भी हमारे साथ है, हम उनसे भी कुछ सवाल कर रहे हैं। मनोज सिन्हा सर आप बताइए कि ये जो मीटिंग हो रही है इससे आप क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश क्या, राहुल जी को बंद बनाने वाला नहीं, तो आप जैसे देख सकते हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बहुत पहले से आके बैठे हुए हैं और ये अपनी कमर कस लिए कि इनको किसी भी हाल में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना ही है। और दूसरी एक चीज और थी कि आपकी मीटिंग अभी मुमरा के अंदर भी हुई थी, तो मुमरा में आपके कोई जो मतलब कैंडिडेट थे वो नहीं आ पाए थे, उसकी क्या वजह थी? ये आपको इन्फॉर्मेशन गलत है, बाबाजी पाटिल वहाँ पर आए थे, बाला पाटिल आए थे, मीटिंग हो गई वहाँ पर, और मेरे ख्याल से कांग्रेस ने उमरा में सबसे पहली मीटिंग उम्मीदवार के साथ ली हुई है और वहाँ पर बूथ लेवल पे काम। सुमन अग्रवाल उनसे भी हम कुछ सवाल कर रहे हैं। मैडम आप बताइए कि कांग्रेस को आप एनसीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या आपके दिल में है और किस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चाहिए? आज हम लोग यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी जो और साथी पक्ष हैं सभी के साथ मिलकर यहाँ पर मीटिंग है और ये हम यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं कि हमारे में अगर कोई छोटे मोटे मतभेद हो भी गए तो वो सब भुलाकर हम लोग तन मन धन से एक साथ हैं सब लोग। बात है और बड़ी अच्छी संदेश है ये एनसीपी के लिए, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा संदेश है
कि इस तरीके से एक दिल से जो है एक हर कार्यकर्ता कांग्रेस का लगा हुआ है कि किसी तरीके से एक कैंडिडेट आना ही है, और मुझे लग रहा है साहब कहीं ना कहीं कि ये कैंडिडेट ला के ही इनको जो है कांग्रेस दम लेगी। और यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश के जो है के वैशाली मैडम भी मेरे साथ है, तो उनसे भी मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैडम, आप महिलाओं को लेकर कि मतलब किस तरीके से आपके अंदर मतलब ये गुस्सा है कि हाँ ये चुनाव हमने जीतना है, और क्या करना चाहते हैं आप? काफी सारे हमने महिलाओं के मतलब हुजूम देखा है जहाँ आप उनके साथ आई है। और हम उनको कागज के बर्तन में देखना चाहते हैं, इसीलिए हमारे आपस में जो भी मिले शिंदे हैं उससे मिलाकर ठोकर हाथ में हाथ मिला। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज है, एक चीज और बताऊंगा कि ये शायद जो चुनाव हो रहा है 2019 का जो चुनाव है ये बहुत अहम रखता है। कुछ हमारे साथ और हैं मतलब जो कांग्रेस के लीडर हैं मैडम, उनसे हम भी बात करते हैं। मैडम, आप दुनिया देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश को ये संदेश देना चाहती हूँ, आने वाले अभी इलेक्शन में आगाड़ी के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लाइए और राहुल जी को पंतप्रधान बनाइए। ये महिलाओं के लिए और देश के युवाओं के लिए ठीक रहेगा, और मजबूत पक्ष का पीएम बनाना है तो राहुल जी को चुनके लाना है, और जो भी आगाड़ी के उम्मीदवार है उनको चुनके लाइए और राहुल जी के हाथ मजबूत कीजिए, ये हमारा संदेश रहेगा। अभी हमने देखा कल के न्यूज में एक देखा कि मतलब जो बीजेपी के कोई नेता है वो किसी गरीब के घर में खाना खा रहे हैं, और ये संदेश है कि महिलाओं को गैस हर घर घर में पहुंचा दिया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ चूल्हे पे खाना बन रहा था, इसके बारे में आप मोदी जी को क्या संदेश देते हैं? उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है वो सब चूल्हे हैं, महिला आज भी चूल्हे पे खाना बना रही है और उम्मीदवार वो रोटी चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, मतलब ये सब जुमला है, चुनावी जुमला है उनका मोदी जी का। और मोदी जी को बोलिए कि 50% महिलाओं ने कमर कस ली है, अभी मोदी जी को घर पे बिठाना है और राहुल जी को पीएम बनाना है। चलो, ये बड़ी अच्छी बात है, जैसे कि आपने सुन लिया कि मोदी जी को घर पे बिठाना है और राहुल जी को पीएम बनाना है। मैं एक फिर दादाजी हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।